बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश ही बन सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अगर ललन का इस्तीफा तो नीतीश को कमान मिलेगी, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जेडीयू में जिस तरीके से हलचल चल रही है और उन सबके बीच ये खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में इस वक्त दो संभावनाएं दिख रही हैं। क्या संभावनाएं हैं उस पर बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर संभावनाएं क्या हैं। पहली ये कि एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नीतीश कुमार सरकार बनाएं, वजह बनेंगे नीतीश कुमार, आरजेडी ही नीतीश को किनारे कर बिहार में सरकार बना ले दूसरी वजह, और उसकी अगर वो स्थिति बनती है तो उसकी वजह बनेंगे ललन सिंह। तो दो संभावनाएं इस वक्त बिहार में बन रही है और इन पर हम जाते हैं और सीधे रुख करते हैं जेडीयू दफ्तर का। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, इस वक्त क्या चल रहा है जेडीयू दफ्तर में और जेडीयू की राजनीति में? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद में ललन सिंह से मुलाकात भी हो गई है। प्रकाशी जो कि साथ में आए नीतीश कुमार के, प्रकाशी ललन सिंह से मुलाकात भी हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार आए हैं उससे 5 मिनट पहले एक नया होर्डिंग आ गया है। सुबह से ऐसे होर्डिंग यहां लगे हुए थे जिनमें से ललन सिंह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन तो ललन सिंह की फोटो भी नजर आने लगी होर्डिंग्स पे। देखिए, ये एक कंफ्यूजन जो है जनता दल यूनाइटेड के अंदर में पहले रहा था, लेकिन जिस तरह से जो अंदर खाने में खबरें आ रही थी कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद नीतीश कुमार होंगे, तो इसकी खबर अमूमन सबको पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में जो तैयारी थी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के रूप में उनका स्वागत करने के लिए, और उसी हिसाब से पोस्टर्स लगाए गए। तो आप कह रहे हैं ये जो होर्डिंग है ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ पर तो लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बिहार, लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी स्वागत की तैयारी हो गई थी? बिल्कुल, ये लगभग लोगों को ये मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो बदला जाना तय है। बदलने की स्थिति में लोगों की राय भी यही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी कमान लेने को तैयार हो गए हैं, ऐसी मेरे पास जानकारी मिल रही है। तो अवधेश, एक बहुत बड़ी खबर प्रकाशी के हवाले से कि ये बदलने की यानी कि ललन सिंह को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नीतीश कुमार खुद संभालेंगे जिम्मेदारी। क्या बनेगी उस पर आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है जेडीयू की, बैठक के बीच से बड़ी हलचल है और बैठक से पहले नीतीश से मिले ललन सिंह। दिल्ली में नीतीश के घर पर यह मुलाकात हुई है। संजय झा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। शाम 5 बजे जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे नीतीश कुमार। तो ये इस बीच की एक बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि एबीपी न्यूज ने आपको पहले भी बताया था। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो हलचल चल रही है जेडीयू दफ्तर से लेकर नीतीश कुमार के आवास तक, उन सबके बीच से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपको अपडेट कर दूं, नीतीश कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं इसमें जेडीयू दफ्तर में हूं। ये आपको जेडीयू दफ्तर का तस्वीर दिख रही है, ये जो आपको कॉन्वॉय दिखाई पड़ रहा है ये नीतीश कुमार का कॉन्वॉय है, और ललन सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं, इसी कॉन्वॉय के हिस्सा वो भी थे। तो अहम बात यह है कि नीतीश कुमार यहां पहुंच गए हैं। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की जो बैठक है, हमारी जानकारी में यहां पर जो जिम्मेदार इनके पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके साथ में ममता ने होना, और एक ये पूर्व भूमिका है, चूंकि कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, उस निर्णायक बैठक के पहले की ये पूर्व भूमिका है और उसकी गतिविधियां यहां पर शुरू हो गई हैं। तो इतना तय है, जो प्रकाश जी अभी कह रहे थे वही इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि ये जो टेक ओवर होगा इसमें नीतीश कुमार ही आकर के सेंट्रल स्पेस लेंगे, और यही सबसे बड़ा, सारे संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।